हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक विद रंजन प्रेजेंटेड बाय बाय अद्वैत एजुकेशन एंड पावर्ड गेट सेशन में लेके आता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल तो चलिए देखते हैं कि आज जो वैकेंसी है वो कहां से आ रही है जब वैकेंसी टू इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम हिंदुस्तान पेट्रोल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की तरफ से वैकेंसी आई है और आप लोगों को बता दो और खासतौर पर थमडिल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि सबसे खास बात इसकी ये है कि दिस वैकेंसी इज कमिंग उट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर कार्ड यानी कि इस वेन्सी में आप बिना किसी गेट के स्कोर कार्ड के रिक्वायरमेंट के एग्जाम के बेसिस एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए एक महारत्न कंपनी है यूजली जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाना इसमें होता है जैसा कि हम लोग हर बार जानते हैं बट इस बार जो इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ी अलग है जो वैकेंसीज आई हुई है वो कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आई हुई है तो आपको बताऊं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आई हुई है 120 हंड्रेड एंड ट्वेंटी वैकेंसीज तो मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट के लिए 120 सीटें यहां पे अवेलेबल है मैक्सिमम एज लिमिट आप देख सकते हैं 25 साल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको मैकेनिकल मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में आपका इंजीनियरिंग या बी बीटेक का बैकग्राउंड होना जरूरी है वैसे ही बात करें अगर सिविल इंजीनियरिंग की तो यहां पे आपको दिख रहा है थर्टी सीट्स आर देयर थर्टी वैकेंसीज आर देयर अगेन इसमें भी एज लिमिट सेम है सिविल इंजीनियरिंग में आपका बी बी टेक रिक्वायर्ड है यहां पर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो 25 सीटें यहां पर आई हुई है मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी सेम है जो एलिजिबल uh, ब्रांचेस जो हैं वो अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच इज एलिजिबल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इज ऑल्सोल एलिजिबल ठीक है यानी ट्रिपल ही ब्रांच के जो बच्चे हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो पच्चीस सीटें यहां पर भी हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एलिजिबल होते हैं ठीक है आगे अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं टोटल आपके पास जो पोस्ट अवेलेबल है वो यहां पर 200 पोस्ट अवेलेबल है है ठीक है? आप कैटेगरी वाइज इसका बाइफरकेशन भी समझ सकते हैं आगे बात करें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको दिख रहा है फोर इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स आपका होना कंपलसरी है नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपकी जो जो आ, जो परसेंटेज मार्क्स जो रिक्वायरमेंट बोला हुआ है वो है सिक्सटी परसेंट का मार्क्स फॉर द अन कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी एंड ईड्ल्यू कैटेगरी और बाकी अदर कैटेगरी के लिए फिफ्टी परसेंट जो है वो मैंडेटरी मांगा हुआ है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट थिंग जो uh, कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर फाइनल ईयर के बच्चे अपियर कर सकते हैं कि नहीं तो आंसर इज येस डेफिनेटली देखें यहां पे अलग से एक पॉइंट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपलाई एंड दे विल बी अलाउड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ At later तो आगे आने वाले स्टेजेस में आगे मैं आपको स्टेजेस के बारे में बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको कौन कौन से स्टेजेस को क्वालिफाई करना जरूरी है ठीक है तो उन स्टेजेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका फाइनल ईयर या सेमेस्टर में अप्लाई तो कर सकते हैं ठीक है हालांकि आपका एग्रीगेट मार्क्स जो है वो प्रीवियस सेम तक का देखा जाएगा यानी प्रीवियस जो आपका जो क्वालिफाइंग सेमेस्टर का मार्क्स होगा उस ड्यूरेशन तक अगर देखें तो आपका सिक्सटी परसेंट का क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व और फिफ्टी परसेंट का फॉर अदर कैटेगरी होना मैंडेटरी है

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट ये पार्ट रहेगा और दूसरा पार्ट जो है दैट विल डील इन द टेक्निकल तो आपके जो जिस भी आप स्ट्रीम्स हैं आपके स्ट्रीम का रिलेवेंट जो है टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कंपराइज ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग डिग्री एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अपलाइड पोजिशन यानी आपके बी बीटेक के तक के लेवल का टेक्निकल क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे तो ये इन दोनों को मिला के बनेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ठीक है जो फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका नेक्स्ट

एक जो नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट बनती है आपका जो ये सीबीटी पोर्शन जो करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको बुलाया जाएगा अगले टेस्टिंग राउंड के लिए ठीक है जो सेकंड टेस्टिंग राउंड होगा वो होगा किसके ऊपर बेस्ड वो होगा आपका ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए इसके मार्क्स के बाइफर्केशन भी है जो आपको मैं आगे अभी बताता हूं तो देखिए नेक्स्ट जो है अल्टीमेट जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो ये तीनों ही टेस्ट को मिला के जो आपका ओवरऑल बनेगा उसमें बनने वाले जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर सिलेक्शन होगा ठीक है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है इसका वेटेज है एटी मार्क्स का ठीक है उसका वेटेज जो है 85 परसेंट का वेटेज है ओवरऑल और इसमें मिनिमम अगर आपको क्वालिफाई करना है उस डोमेन में तो आपको 50 परसेंट फॉर ऑल कैटेगरीज तो ये जरूरी है ये रिक्वायर्ड है ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्सटी तो परसेंट है अनरिजर्व एस कैटेगरी के लिए और 54 परसेंट जो है वो इन सब अदर कैटेगरीज के लिए है वैसे ही बात करें अगर ग्रुप टास्क की तो ग्रुप टास्क में आपका फाइव परसेंट का ओवरऑल वेटेज है पूरे ग्रुप टास्क का जिसमें से चालीस परसेंट आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है है ना फॉर फॉर एंड अदर कैटेगरीज पर्सन इंटरव्यू का बेटेज दस परसेंट का जिसमें से कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फोर्टी परसेंट फॉर अनिजर्व एंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री फॉर द अदर कैटेगरी तो फाइनल आपका जो स्कोरिंग होगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिक्सटी परसेंट है फॉर दिस अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स की समझ सकते हैं कि जो अवेलेबल वैकेंसीज है उसके हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट के अंदर होना जरूरी है ठीक है आगे अगर बात करें एमेंट की सैलरी की तो आप देख सकते हैं एनुअल सीटी पे स्केल आपका फिफ्टी थाउजेंड से लेके वन लैख सिक्सटी थाउजेंड पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें ठीक है देन इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए प्रोबेशन ड्यूरेशन आपका रहेगा वन ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो है आप अपने पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं आगे वर्क करते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग अदर जो रिजर्वेशन एंड कंसेशन है वो तो कैटेगरी वाइज एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स यहां पर बिल्कुल एलिजिबल रहेगी ठीक है बिल्कुल अवेलेबल रहेगी यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट में भी जो रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज जो मिलना चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल है यहां पर

ठीक है पेमेंट गेट वे चार्जेस हैं एप्लीकेशन फीस ऑफ थाउजेंड प्लस जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के ये इस पर एप्लीकेबल होता है हालांकि अगर बात करें अदर कैटेगरी की अदर कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन होते हैं वो है अवेलेबल ठीक है नेक्स्ट थिंग जनरल इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप जा सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हुए अदर थिंग अगर आप देखें अगर इसमें डेट्स की मैं बात करूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अगर डेट्स की मैं बात करूं तो आज से इसका जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए क्लियरली दिख जाएगा आपको डेट और इसका एंडिंग जो है जो फॉर्म फिलअप आपका जो एंड होगा वो होगा फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल टू ठीक है तो 15 अप्रैल तक का टाइम है इस पूरी वैकेंसी का डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है तो आप एक बार प्रॉपर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए जो भी डिटेल है उसको क्लियर कर लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और उस आधार पे आई होप कि बिफोर फिफ्टींथ ऑफ अप्रैल आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो चलिए आई होप कि जॉब वैकेंसी का डिटेल आपके काफी काम आने वाला है और आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करेंगे सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अलग किसी एक नए जॉब वैकेंसी का डिटेल लेके टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड थैंक यू वेरी मच